पत्थर गिर रहा है वो देखिए, अगर आपको कैमरे में दिख रहा है एक छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं। मैंने गाड़ी एकदम से ब्रेक मार दी, यहाँ पत्थर गिर रहे थे। ये कार पार्किंग है, हर गाड़ी के लिए इंडिविजुअल कार पार्किंग ऐसे बनी हुई है पेड़ों के बीच में, आम के पेड़ों के बीच में। ये बगीचे हैं, ऐसे एक गाड़ी यहाँ हो जाएगी, ऐसे 10 गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पे है। ग्राउंड फ्लोर के रूम्स में बालकनी है और फर्स्ट फ्लोर के रूम्स में विंडो है। और ये व्यू है, पहाड़ी पहाड़ है सामने, काफ़ी ऊँचे पहाड़ हैं और जिधर भी देखेंगे आप चारों तरफ पहाड़ ही है। पीछे रिजॉर्ट के पीछे का व्यू ऐसा है, ये फर्स्ट फ्लोर की बालकनी है, वो टॉप फ्लोर छत है, नीचे भी सिट आउट एरिया है। ये पीछे स्टाफ क्वार्टर्स है, वॉशरूम वगैरह, ये भी स्टाफ क्वार्टर्स है। और ये इस साइड से ये कार पार्किंग दिख रही है। ये चयन रिजॉर्ट चक्राता के सामने, आज ये यमुना जी का पानी का लेवल बढ़ गया है, कल शाम के कंपेरिजन में अभी वाटर लेवल बढ़ गया है। इसका मतलब ऊपर पहाड़ों पर बारिश हुई है तो काफ़ी तेज़ फ्लो चल रहा है। और यही विंटर्स में यहाँ तक सड़क के सेंटर तक चली जाती है यमुना जी, पानी का कलर भी चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर। इसके नीचे जो पत्थर होते हैं और यहाँ आप आराम से इस जगह तक, वहाँ सेंटर तक बैठ सकते हैं, थोड़ा सा गहरा होता है आगे, बाकी यहाँ पूरा पिकनिक स्पॉट बन जाता है। और ये अपने सरकंडे के पेड़ हैं शायद, ये अपना रिजॉर्ट है। इतनी ऊंची दीवार बनानी पड़ी है क्योंकि एकदम नदी के किनारे जब होती है कोई प्रॉपर्टी तो कल को पानी तेज आए, बारिशों में तेज आए तो फ्लो से अंदर ना घुसे, इसलिए पूरे किले की दीवार की तरह से पुश्ता बनाना पड़ा है। क्योंकि एकदम आप देख रहे हैं एकदम लैंड जो है रिवर से सटी हुई है और दूसरा जो उसका कट आ रहा है, कर्व ले रही है, वो उसका डायरेक्शन इधर ही है। तो इतनी ऊंची दीवार बनाई कि अगर कभी पानी ज़्यादा आए तो ऐसा डाइवर्ट होके ऐसा चला जाए। ये ब्रेकफास्ट आ गया है, हमने आज आलू प्याज के पराठे, रायता और दही मंगवाया था। तो ये राहुल जी लेके आए, इन्होंने गोवा में काफ़ी काम किया है। कितने साल रहे हो राहुल गोवा में? सर मैं 11 साल। अच्छा अच्छा, यहाँ आप आएंगे तो आपको मुलाकात होगी इनसे, राहुल जी से। अभी अपने चयन रिजॉर्ट चक्राता से चल पड़े हैं, आगे के लिए एक वाटरफॉल है, ओशो वाटरफॉल, वहां जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं यमुना नदी, इधर है हमारा रिजॉर्ट। जो लोग यमुना को पोल्यूटेड रिवर बोलते हैं दिल्ली में, उनको यहाँ आके जरूर देखना चाहिए। अभी कटा पत्थर का जो पिकनिक स्पॉट है वो ये है, इस गेट के पीछे लोग जाते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चयन रिजॉर्ट चक्राता में रुक रहे हैं तो जाने की जरूरत नहीं क्योंकि बगल में ही है। अब हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, आज अभी हम पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, शायद डाक पत्थर भी जाए, आसन बैराज भी जा सकते हैं, ओशो वाटरफॉल एक और वाटरफॉल है, देखते हैं कहाँ जाते हैं। चक्राता भी जाने का मूड है लेकिन लोग बोल रहे हैं बारिश हो रही है, क्या पता लैंडस्लाइड ना मिले, देखते हैं लोगों से पूछेंगे अगर नहीं होगा, क्योंकि मुश्किल से 40 किलोमीटर है चक्राता, तो एक शॉर्टकट है ये, इस शॉर्टकट में गाड़ी डाली है और किसी ने बताया कि आगे अच्छी रोड है, सामने पहाड़ का व्यू आ रहा है, रात को जबरदस्त बारिश हुई है लेकिन अभी मौसम खुल गया है। ये नीचे खेत हैं, धान के खेत लगे हुए हैं, ये आम का बगीचा आ गया, जबरदस्त सीन है, पूरा आम का ही बगीचा है पहाड़ के ऊपर और बीच में से सीमेंटेड रोड जा रही है। और ये सब अड्डे हैं लेपर्ड के, यहाँ रात को लेपर्ड ही लेपर्ड घूमते होंगे क्योंकि पास में गांव है, गांव में कुत्ते लेपर्ड का फेवरेट फूड। लेकिन बहुत बड़ा बगीचा है, आप देखिए इधर, जहाँ देखो वहाँ आम का बगीचा है। और यहाँ पे स्कूल भी है, राजकीय इंटर कॉलेज कटा पत्थर, विलेज टूरिज्म की पक्की जगह है। ये जो पेड़ लग रहे हैं ये शायद हल्दी है,
हल्दी भी ऐसी होती है, अरबी भी ऐसी होती है, अभी पता नहीं क्या है। अभी जैसे आपने देखा हमारे जंगली रिजॉर्ट में मैंने कड़कनाथ मुर्गे भी वाले हैं, 20 देसी मुर्गों का भी ऑर्डर दिया मैंने। जैसे सामने मुर्गा दिख रहा है ना, कुछ दिन में आपको वो भी दिखेंगे वहां पे। भैया ये रोड है, यहाँ कुछ कुछ मुझे व्यू आ रहा है शिमला जैसा। जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था तो मैंने राजस्थान और हिमाचल का मेंस लिखा था सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज का। तो मैं शिमला में रहा था करीब 22 दिन, मेंस का एग्जाम था तो अलग अलग पेपर्स होते थे, करीब 22 दिन मैं था। तो पैदल ही जाना होता था एक जगह से दूसरे, क्योंकि तो बस तो नीचे वाली रोड पर चलती है। इवन अपना सेंटर देखने भी पैदल जाना होता था, संजौली वगैरह ऐसी कुछ जगह पर आया था। तो जब भी किसी से पूछो कि भैया ये जगह कितनी दूर है, तो शिमला में एक ही बात बोलते हैं, बस 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। क्योंकि वो किलोमीटर से मीटर से बात नहीं करते, मिनट में बात करते हैं। और वो मिनट हमें बहुत भारी पड़ते थे, पैरों में दर्द हो गया था, क्योंकि या तो पैर नीचे को मुड़ के चल रहे हैं या ऊपर को, सीधे एंगल में चलते ही नहीं थे 20 दिन तक। तो मेरा एक दोस्त था सुखबीर, हम लोग मॉल रोड पर कभी बैठते थे शाम को, अभी भी सुखबीर गाजियाबाद में ही है। तो वो बोलता था साले हमारी क्या किस्मत है, शिमला भी कोई एग्जाम देने की जगह है। तो अभी ये रास्ते मैंने देखे, ऐसे रास्तों में मैं दूर दूर जो टूरिस्ट जहाँ नहीं जाते अपने एग्जाम के सेंटर वगैरह ढूंढने जाया करता था, क्योंकि हर पेपर का अलग सेंटर होता था। ये इधर व्यू आ रहा है, कटा पत्थर बोलते हैं, कटी पहाड़ी है लगता है इसीलिए बोलते हैं कटा पत्थर। तो पूरे टाइम एग्जाम, हर पेपर में अलग सेंटर होता था, तो ऐसे ही रास्तों से मैं जाता था शिमला में पैदल। ये देखिए 27 सीटर बस खड़ी हुई है, तो ये तो 40 सीटर है शायद पहाड़ की, नहीं 27 सीटर ही है, दिल्ली की 27 सीटर ऐसी होती है। हमें कहाँ जाना है? चक्राता कौन सा रोड जाएगा भैया? चक्राता तो ये मेन रोड आ गई, ज्यादा नहीं बस शॉर्टकट था। दो रास्ते फिर हमारे यहाँ जाने के, चैन रिजॉर्ट चक्राता जाने के। और यहाँ जितने भी आप देखेंगे रेस्टोरेंट, यमुना व्यू रेस्टोरेंट, नीचे यमुना नदी है। अब फर्स्ट क्लास रोड आ गई, मौसम अच्छा है तो हमने विंडो खोली हुई है, एसी बंद किया हुआ है। शानदार नजारा आ गया यहाँ पे, बहुत बढ़िया वैली है सामने। एक्चुअली लोग, बहुत सारे लोग डरते हैं बारिश में हिल्स पे आने के, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर हिल्स की असली ब्यूटी देखनी है वो बारिश में ही होती है। ये टनल है, लगता है कोई शॉर्टकट निकाल रहे हैं, स्लाइड हुआ है, इसको ठीक कर रहे हैं वर्कर्स। कब हुआ भैया ये? एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते पहले हुआ है। ये देख रहे हैं आप, अभी यमुना नदी पूरी हिल की नदी है, पूरी हिल के बीच में चल रही है, यमुनोत्री से आ रही है, और वो जो हमारा रिजॉर्ट है वहीं पे आके प्लेन्स में टच करती है, मतलब वो वैली है वही पॉइंट है। एक और लैंडस्लाइड, ये जेसीबी खड़ी है, इसने क्लियर किया है, दोनों तरफ कर दिया, इधर का इधर, इधर का उधर। ये पहाड़ी नाला टाइप का कुछ आया है, जबरदस्त पानी और मिट्टी। ये देखिए कितना खतरनाक आया था ऊपर से, ये तो कुछ ऐसा नजारा लग रहा है जैसे बादल फट गया हो। बड़े बड़े पत्थर है, जेसीबी ने काफी टाइम लगाया, पेड़ वेड़ भी बह के आए ऊपर से। एक बड़ा ही जबरदस्त डैम बन रहा है, ये काफी बड़ा है, इसका नाम क्या है ये तो कोई कोर्ट का ऑर्डर है, व्यासी जल विद्युत परियोजना है ये हाइड्रो पावर है व्यासी, ये इसका मतलब ये व्यासी रिवर है, हिमाचल से आ रही होगी व्यासी रिवर। बड़े सुंदर फूल लगे हैं सामने पेड़ पे, लेकिन वो आप करके दिखा नहीं पाएंगे। अरे वाह भाई वाह, इतना बढ़िया रेस्ट रूम कभी जिंदगी में देखा है आपने? इतना बढ़िया मैंने रेस्ट रूम कहीं नहीं देखा, ये पूरे आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए हैं।
ये उत्तराखंड टूरिज्म ने बनाया था पब्लिक टॉयलेट फैसिलिटी, लेकिन नाम बड़े और दर्शन छोटे। बाहर से ये इतना शानदार, तो बाहर से इतना बढ़िया, अंदर से गंदा। ये देखिए वो फूल लगे हैं जिसके बारे में मैंने बताया था आपको, वहां से बड़े अच्छे सुंदर फूल है, कोई जंगली पौधा लग रहा है। ये यमुनोत्री बरकोट वाला रोड है, इसमें स्ट्रेट जाएंगे तो यमुनोत्री पहुंच जाएंगे। और ये देखिए डैम का व्यू आ रहा है यहाँ से,